अपनी साइट के ऊपर भाई, जहां पे मैंने मेरे नोट्स डाले हुए हैं फिफ्थ सेमेस्टर फूड टेक्नोलॉजी के, इसके नीचे मैंने प्लेलिस्ट डाली है यूट्यूब की। तुम इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा, जो सुबह फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स की क्लास ली है ना मैंने, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये FLS 2020 नाम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आगे आगे कल जो क्लास लूंगा, आगे जो क्लास लूंगा वो ऐड होती जाएंगी। तो तारीख है लास्ट में 7/2020, ये पहली क्लास थी, फिर दूसरी क्लास ली क्योंकि बीच में अपना ये टाइम पूरा हो गया था। तो इस तरीके से और क्लासेस इसमें ऐड होती जाएंगी। तो अपनी क्लासेस को अरे म्यूट कर लो अपना आपने। बाकी किशोर कुणाल म्यूट कर लो भाई, अदरवाइज मेरी बात नहीं सुनेगी तुम्हें। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे, मेरे वाले जो नोट्स वाला जो लिंक है अभी तो मैं दिखाया था, तो उस लिंक पे क्लिक करके तुम्हारा ये पेज खुल जाएगा। इसमें FLS 2020 नाम से ये प्लेलिस्ट है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदपाल यादव नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पे जब भी आएंगी नई तो वो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करना, और एक इसमें कहीं बेल आइकन होता है वो दबा लेना भाई, उससे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि नया क्या अपलोड किया है। तो अभी जैसे मैंने इसका नाम चेंज किया है, इसको FLSE बनाया 01 करके, नहीं इन दोनों के फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड बनाया है 01/02 करके। तो ये सुबह वाली क्लासे हैं। इसी तरह से इस नोट्स वाले पेज पे CFT जो अभी क्लास चल रही है तुम्हारी, इसका भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो दोबारा। ठीक है, अभी उसको अपलोड करना बाकी रह रहा है, 38% अपलोड हुआ है। जब ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं वहां डाल दूंगा। तो ये जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहना, इसमें यही है कि जब नोट्स होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 5.1 FLS नोट्स करके। अभी ये लिंक इसीलिए ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, ये प्लेलिस्ट भी डाली नहीं है, इसलिए ये अभी लिंक ओपन नहीं होगा। FLS की डाल दी है तो ये ऑन हो जाएगा। और CFT के जो नोट्स हैं वो कैसे एक्सेस करोगे, जब तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ड्रॉप बॉक्स का एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर तुम्हें वो सारे फोल्डर मिलेंगे जो मैंने मेरे अपने ड्रॉप बॉक्स में डाले हुए हैं। इसमें से तुम्हारे काम की ये दो तीन फाइलें हैं, इनका ध्यान रखना। प्रिंट करवाने के लिए तो जो ये CFT नोट्स हैं अभी आएंगे, वो दिखाऊंगा तुम्हें। ड्रॉप बॉक्स थोड़ा स्पीड स्लो है यहाँ। ये ड्रॉप बॉक्स आ गया, इसमें जो 01 करके फाइल है ये आपको डाउनलोड करनी है और प्रिंट करवानी है। 01 CFT क्लास नोट्स प्रैक्टिकल, दिख रही है सबको? अरे सबको दिख रही है क्या? यस सर,
फिर दूसरा यस सर, दिख रही है। पीडीएफ फाइल है, ये भी आपको डाउनलोड करनी है, प्रिंट कर लेना। इसके अंदर वो 10 एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी ना एमएस एक्सेल में करनी है हमें, वो 10 एक्सरसाइज इसमें दी हुई है। सर, इसके बाद है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, इसमें मैंने अनसॉल्व एक्सरसाइज और सॉल्व एक्सरसाइज, एक्सेल की ये दोनों फाइलें सॉल्व और अनसॉल्व है, इन दोनों को डाउनलोड कर लेना, ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। फिर मैंने कुछ नोट्स डाले हुए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ है, तो ये इसमें मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा एक समरी सी तैयार कर रहा था, मैं एक दो पेज की समरी है ये। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इन फूड टेक्नोलॉजी, तो उसमें ये आपके काम आ जाएगा। तो ये बेसिकली पहली 5 फाइलें हैं, ये आपके काम की है, बाकी ये एक्स्ट्रा है, इसको आपको डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 5 फाइलें आप अपना डाउनलोड कर लेंगे, ये 5ों फाइलें आपके इस्तेमाल होंगी पढ़ाई में, ठीक है? ओके सर। अब वापस अपने नोट्स पे आते हैं। नोट्स कहाँ गए? एक्सेल वाले नोट्स दिख रहे हैं या कुछ और दिख रहा है अभी? अब आ गए होंगे एक्सेल वाले नोट्स, ये अपने सीएफटी वाले। इसमें मैंने कुछ वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, वो यहाँ पे है लिस्ट, और ये अपना टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और कंप्लीट सिलेबस के बाद, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आने के बाद यहां से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब जो ये नोट्स डाले हुए हैं ना, इनका ध्यान ये रखना कि मैंने जब ये नोट्स बनाए थे या जब मैं अपडेट कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को कुछ ये वीडियोस अच्छे लगे, तो उन वीडियोस को मैंने इसमें डाला है। तो इसका बीच बीच में ना इनमें आपको कुछ आपको इसमें क्यूआर कोड दिखेंगे, उन क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट उस लिंक पे आप जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ये लिंक डाल रखे हैं, अगर इस लिंक पे आपको जाना है पीछे, तो कंट्रोल का बटन दबा के जब इस पे क्लिक करोगे, तब आप इस ये लिंक अपने आप ओपन हो जाएगा। इसके साथ अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, पीसी को यहाँ पे मैं आके क्यूआर कोड डाल दूंगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो तुम्हें ये वीडियोस दिख जाएंगे। कहीं पे आपको भी अगर क्यूआर कोड करने पड़े ना,
QR4 ऑफिस नाम से ये एक एडिन है, इसके अंदर ही अवेलेबल होता है, एक्सेल और वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट में काम करता है ये। एमएस ऑफिस के जो स्टोर है उससे ये फ्री में अवेलेबल है। तो इसमें आपको सिर्फ ये लिंक डालना होता है, जैसे ये लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे अभी आया नहीं है। टाइम लगेगा, हाँ आ गया। यहाँ कस्टम में करके और पूरा जो यूआरएल है वो पेस्ट कर दो यहाँ पे। ये आपका जनरेट हो गया और अब सिर्फ आपको यहाँ पे इंसर्ट का बटन, जैसे इनिशियलाइज हो जाए तो आप इसको यहाँ पेस्ट कर दोगे। दिखाता हूँ अभी, ये इंसर्ट का हुआ नहीं इनिशियलाइज, या इसी को कॉपी करके और यहाँ इसको आप पेस्ट कर सकते हो। ये ऑफिस वाली फाइल दिख रही होगी ना आपको अभी, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, ये QR कोड जनरेट हो गया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब जो दूसरा लिंक है उसका भी इसी तरह से, इसको कॉपी कर लो, इसका अलग से फिर यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। ये हो गया, इसको कॉपी करो। अभी दिखाऊंगा आपको ये काम कैसे करता है। दो इसका ये पार्ट टू है पहले वाले का। पेस्ट कर दिया यहाँ, ये इसका QR कोड जनरेट हो जाएगा। कनेक्शन स्लो है भाई, मेरे पास थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीजों में। बाकी अपने म्यूट कर लो भाई, मनोज अरुण यस सर। हाँ म्यूट रखो अपने आप को, क्योंकि बोलते सर ज्यादा लगता है। तो QR कोड जनरेट करके इस पे लगा दूंगा। तो क्या है कि अगर आपके पास ये प्रिंटेड फॉर्म में भी होगी ना, तो मोबाइल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी,
मैं बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे जब जाओगे तो यही शेयर कर रहा हूं ना मैं आपके साथ। तो इसमें जब आप सर्च करोगे अवायरा QR कोड स्कैनर, या कोई भी QR कोड स्कैनर यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को अवायरा जो कंपनी का जो QR कोड स्कैनर है वो अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिक फंक्शनैलिटी में ये इसका साइन मिलेगा, ये शील्ड बनी हुई और रेड कलर का। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके ये पीस इसके मोबाइल पे इंस्टॉल कर देगा। तो गूगल के प्ले स्टोर में जाके देखो किस किस का इंस्टॉल हो रहा है, जिसका इंस्टॉल हो जाए बता देना मेरे को, फिर उसको नेक्स्ट काम दूंगा मैं। किसी का इंस्टॉल हुआ भाई? अच्छा, हो गया सर, हो गया सर, हो गया ना, वो रन करो सर। फिर को। हो हो गया सर। इनमें से ना कोई सा भी एक QR कोड स्कैन करके देखो अपने फोन से, जैसे लास्ट वाला मैंने दिखा रखा है। मैं मेरे सर फोन से स्क्रीन चेंज करो, हैं? स्क्रीन चेंज करो सर, प्ले स्टोर ही ओपन हुआ पड़ा अभी। स्क्रीन चेंज करूं? अच्छा ओके, अब दिख रहा है? सर, अब इस QR कोड को स्कैन करके देखो। हो गया सर। ये बेसिकली दिखाएगा लास्ट में कि URL इज सेफ, इस तरीके से दिखाएगा।
यस सर। अब यूआरएल इज सेफ, अब वो उल्टा करके दिखा रहा है ना, इसमें तो इसके नीचे जो ग्रीन है ना ओपन, उसको क्लिक कर दो तो YouTube पे जो ये वीडियो है उस पे आपको लेके जाएगा, या कहीं हमने वेब लिंक दे रखा है तो वेब लिंक पे लेके जाएगा। तो इस क्यू आर कोड स्कैनर चालू हो गया सर वीडियो? हाँ वीडियो चालू हो गया सर। बेसिकली ये आपको बीच में जो लिंक मिलेंगे ना, अगर आप मोबाइल पे हो तो इस फाइल के अंदर उस पर क्लिक कर देना, तब उससे चले जाओगे। अगर आपके पास किताब है और किताब से पढ़ने लग रहे हो और मैंने इसमें लिंक क्यूआर कोड का दे रखा है, तो क्यूआर कोड को भी जब आप क्यूआर कोड स्कैनर की मदद से स्कैन करके करोगे तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो किताब के साथ आप वीडियो भी देख सकते हो, इसलिए ये क्यूआर कोड डाले गए हैं। इनका मकसद क्या है समझ गए आप लोग? जी सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। तो कल के लिए जो पहले तुम्हारी असाइनमेंट है वो यही है कि ये जो जितने भी वीडियो स्टार्टिंग के हैं ये आपको देखने हैं, ठीक है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इन हिंदी, ये वीडियो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेसन पार्ट वन पार्ट टू, और उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स हार्डवेयर, ये सारे आपको देखने हैं। अब इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद ही आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू होगा। तो पहले जो बेसिक वाले वीडियो हैं उनको देखना शुरू करो। मैं यहां पे अपना पहला वीडियो जो है उसका लिंक रन कर रहा हूं, पहले ये वीडियो देखेंगे। साउंड आ रही है आपके पास? सर बहुत कम। अच्छा सर वॉल्यूम बिल्कुल कम आ रही है। कोई बात नहीं, अभी एक बार देखो। तो अभी के लिए यही असाइनमेंट है भाई, फिलहाल सभी है ना, अपने इसी इन्हीं वीडियोस को देखो और इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्कस करना, ठीक है? ओके सर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है सर। तब तक मेरा जो सीएफटी वाला है मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। ओके सर।
दस एक मिनट में अपनी मीटिंग एक बार एंड हो जाएगी, तो उसके बाद फिर अपना तुम ये वीडियो ही देखना है और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तुम। CAFT की भी अपनी जो क्लासेस हैं वो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है भाई वेब पेज पे। सिर्फ FLS के जो नोट्स हैं वो अपडेट करना रहता है।
वो आज उसको कहा है भाई और प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। मेरे पास आया था,